नमस्कार, बड़ी खबर। नागरिकता कानून के खिलाफ जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दंगा फसाद और विरोध कर रहे लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद बोबड़े ने कहा कि कानून हाथ में नहीं ले सकते छात्र, पहले हिंसा रोकें फिर होगी सुनवाई। चीफ जस्टिस ने जामिया हिंसा मामले पर नाराजगी भी जाहिर की और उन्होंने कहा कि क्योंकि वो स्टूडेंट हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले लेंगे। हिंसा रुक जाएगी तभी हम इस मामले को सुनेंगे। इस समय ऐसा माहौल नहीं है कि जब हम कुछ तय कर सकें। दंगे रुकने दीजिए, हिंसा समाप्त होने के बाद यानी कि मंगलवार को सुनवाई कर सकते हैं इस मामले पे। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम कानून व्यवस्था हाथ में लेने की इजाजत नहीं दे सकते। आपको बता दें कि जो कल 2-3 दिनों से जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो विरोध चल रहा था सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, तो उसमें कल रविवार के दिन काफी ज्यादा दंगा प्रदर्शन हुआ जिसमें पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाए गए और काफी सारी बसें भी जलाई गई, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाके पहुंचा। और जहां पे ये स्टूडेंट ये डिमांड कर रहे थे कि वो पुलिस पे भी उल्टा इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे थे, तो जो उन पे लाठीचार्ज हुआ है और वहां पे जो बसों में आग लगाई गई है स्टूडेंटों के द्वारा, वो उसका सारा नाम पुलिस पे डालना चाहते थे, तो इस पर बड़ा झटका दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो दंगा प्रदर्शन हो रहा है, इस तरह के ये दंगे रुकने दीजिए, उसके बाद ही हम इसमें डिसाइड करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक करारा झटका भी दिया जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सीएए को लेकर। उन्होंने कहा कि वो स्टूडेंट हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो न्याय प्रणाली को अपने हाथ में ले लेंगे। जिस तरह का उनका व्यवहार पुलिस के साथ रहा वो बिल्कुल गलत था। दूसरी तरफ अमित शाह ने भी कहा कि जो सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जो विरोध और दंगा प्रदर्शन कर रहे हैं और जो कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, अगर व्यक्ति इन हरकतों से बाज नहीं आते तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि जब से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लोकसभा राज्यसभा और जिस पर प्रधान राष्ट्रपति के सिग्नेचर होगी, जब वो कानून बन चुका है, तो उसके बाद एक के बाद एक जो दंगे प्रदर्शन है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इसकी आग राजधानी दिल्ली के बाद अब लखनऊ और हैदराबाद भी पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नवादा कॉलेज में आज सुबह छात्रों ने काफी ज्यादा प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी की। पुलिस लगातार गेट बंद करने की कोशिश कर रही थी, पर जो लोग थे वो उनपे, जो स्टूडेंट हैं वहां के कॉलेज के, वो उनपे पत्थरबाजी करने लगे, गाली गलौज दे रहे हैं पुलिस को। पुलिस के साथ गाली गलौज जब देने लगे तो पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी कि अभी यहीं पर रुक जाइए वरना हम लाठी चार्ज करने पे भी मजबूर हो सकते हैं। पर उसके बाद भी जो छात्र थे वो पत्थरबाजी करने से नहीं बाज आए। और इसके बाद प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं कि ये नागरिकता कानून आया है, इससे वो बता रहे हैं कि इस देश, ये जो कानून है ये देश तोड़ने वाला है और इस ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। और आपको बता दें कि पूर्वोत्तर में इसका विरोध इसीलिए हो रहा है क्योंकि अधिकांश लोगों को आशंका है कि इसके लागू होने के बाद उनके इलाकों में बाहरियों की तादाद बढ़ जाएगी और उनकी जनसंख्या और भाषाई वैशिष्टता बरकरार नहीं रह पाएगी। भारत के अन्य क्षेत्रों में, मसलन आपको बता दें कि केरल, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसमें लोग इसीलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये कह रहे हैं वो कि इसमें मुसलमानों को शामिल क्यों किया नहीं गया, उसका ये संविधान जो लागू हो रहा है इससे संविधान का विरुद्ध है। मतलब ये साफ साफ सीधी बात है कि ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, इन लोगों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का पूरी तरह से जो ज्ञान नहीं है और जो पूरी बातें इन्हें पता नहीं है। जहां ये लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ है या फिर इसमें मुसलमानों को ऐड क्यों नहीं किया गया, तो इस पर साफ बात बता चुके हैं कि जैसे कि अब ये आसाम के लोग कह रहे हैं कि इस पे हमारी अस्मिता पे आंच आएगी और हमारे यहाँ पे आके जब लोगों का भार बढ़ जाएगा, तो इस पे भी पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि अगर वहां से लोग जो बाहर से शरणार्थी आते हैं और वो आसाम में बसाए जाते हैं, तो इसे आसाम के लोगों की अस्मिता पर कोई भी आंच नहीं आएगी और जो वहां पे अगर वहां पे बसाए भी जाएंगे तो उनके लिए इंतजाम अलग किए जाएंगे, उनसे वहां के लोगों को कोई भी फर्क नहीं रहेगा। अब बात रही उन लोगों की जो ये लोग ये कह रहे हैं कि ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, इसमें मुसलमानों को ऐड क्यों नहीं किया गया, तो शायद उन्हें फिर से एक बार इस बिल को पढ़ना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए कि अमित शाह ने कई बार ये बात राज्यसभा में लोकसभा में कही थी कि ये बिल जो आया है वो अल्पसंख्यकों के मदद के लिए है, ना कि उनके खिलाफ है। और जो लोग मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तो मुसलमानों के लिए इसमें इसीलिए नहीं ऐड किया गया क्योंकि जो कंट्रियां मुसलमानों के लिए ही बनाई गई हैं, वो लोग उन कंट्रियों से क्यों तंग होंगे। अब बात लीजिए 1947 में पाकिस्तान को बना दिया, 1956 में अब वो मुस्लिम रिपब्लिक बन गया था, अब उसके बाद मुसलमानों को उस देश में क्या हानि होगी? क्या मुसलमान ऐसे पाकिस्तान जैसे देश में तंग रह सकते हैं? उन्हें उनके जो अधिकार है उनका हनन हो सकता है? अब दूसरी बात ले लीजिए, आप बांग्लादेश की, 1971 में भारत की तरफ से बंटवारा हो चुका था, 1971
1971 में बांग्लादेश बना दिया था, तो वो भी वहां पे भी काफी ज्यादा जो संख्या है वो भी मुस्लिम राज्य है, वहां पर भी मुसलमानों को किसी तरह की कोई भी तंगी नहीं है, उनके जो सारे जो अधिकार हैं वो उनके पास सेफ हैं। तो जब आप वहां से जो माइनॉरिटीज में है हिंदू और अन्य धर्म के जो लोग हैं उन्हें ही भारत में शरण दी जा रही है और उसके खिलाफ ये लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात यह है कि जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं ये विपक्षी पार्टियों के लोग हैं, जो कि लोगों के दिमागों को भ्रमित करके और दंगा फसाद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि भाई जो रोटी हमारी सिक रही थी मोमदन हिंदू और मुसलमान के पक्ष पे, वो रोटियां नहीं सिक पाएंगी। बहुत से लोग ये कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने तो जो दंगा प्रदर्शन कर रहे हैं, जब उनसे लोगों से पूछा जाता है कि आप यहाँ पे दंगा प्रदर्शन क्यों कर रहे हो, तो बहुत सारे लोगों को तो शायद इस बिल की जानकारी भी नहीं है, वो तो ये कहते हैं कि मुसलमानों को भारत से निकाला जा रहा है इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो जब तक लोगों को पूरी जानकारी नहीं होगी, जब तक ये दंगे फसाद चलते रहेंगे, क्योंकि विपक्षी पार्टियां जो चाहती थी शायद उनकी यही चाल थी कि इस बिल को आने से रोक दिया जाए, जिसपे पीएम नरेंद्र मोदी भी साफ कर चुके हैं कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियां लोगों को भड़काकर दंगे फसाद करने की कोशिश कर रही हैं और ये कह रही हैं कि ये विरुद्ध है मुसलमानों के या फिर इसमें अल्पसंख्यकों को क्यों नहीं लगा रहे, पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि शायद जो हमारा उठाया गया कदम सही है इसीलिए विपक्षी पार्टियों को इतनी ज्यादा मिर्ची लग रही है और वो लोगों को भ्रमित कर रही है। जो अमेंडमेंट जो एक्ट आया है उसमें जो विरोध हो रहा है, इस विरोध को जो है इस तरह से जो विरोध कर रहे हैं कुछ राजनीतिक पार्टियां जो है बहुत बड़ा रंग दे रही है, तो इसको क्या कहेंगे आप, कौन लोग हैं और इन राजनीतिक पार्टियों को क्या मतलब है कि जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं और इसमें जो एक्ट आया है उसमें हमने केवल जो हमारे यहाँ जो शरणार्थी थे जो सताए हुए थे उनको हम जो है नागरिकता देने वाले, सरकार ने जो बिल बनाया और वो एक्ट बनाया, तो अब क्या क्या लगता है आपको कि वो लोग कौन हैं जो इस तरह से विरोध कर रहे हैं? आज जामिया में आग लगी है, तमाम बसें जला दी गई हैं, तो अब नॉर्थ ईस्ट में वो हाल है, तो कौन लोग हैं जो इस तरह से जो देखो जो ये बिल आया है कैब, ये बिल्कुल जायज़ है, मैं इसके पक्ष में हूँ। सरकार ने जो भी कदम उठाया है बिल्कुल सोच समझ कर, और जो कई सालों से आज़ादी के बाद निरंतर जो शरणार्थी हमारे यहाँ आए, अल्पसंख्यक जो थे, उनको एक पहचान नहीं मिल रही थी, अब उनको एक पहचान दी जा रही है इसके तहत। और ऐसे जैसे ये आगजनी की घटनाएं हैं या फिर विरोध प्रदर्शन है, ये कहीं कोई मायने नहीं रखता है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा देश, हम बात करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो उसको लेकर हमें चलना है। सरकार ने बिल्कुल सही कदम उठाया है और जो भी लोग विरोध कर रहे हैं उनसे मैं यही कहता हूँ कि आप देश को गलत में मत धकेलो। इस तरह के प्रदर्शन करके आप जनता में क्या मैसेज देना चाहते हैं? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने बिल्कुल अच्छा ये निर्णय लिया है और मैं उनको इसके लिए साधुवाद देता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस। कांग्रेस पार्टी की कल बहुत बड़ी जो है रैली थी कि भारत बचाओ, जो रैली, तो उसमें उन्होंने बोला हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज जामिया में आग लग गया, तो किस तरह से किस हद तक जा सकते हैं? इस तरह के जो विरोध करेंगे वो कि जो कि जहाँ तहाँ जो है इस तरह से नुकसान। देखो भारत बचाओ रैली, वो मैंने भी उनके भाषण को सुना, राहुल गांधी जी भी बोले और प्रियंका जी भी, उन्होंने भी काफ़ी कुछ कहा। भारत बचाना और अब ऐसे प्रदर्शन करना ये उनको शोभा नहीं देता। भारत बचाने का काम तो सरकार कर रही है, आप देखिए मोदी गवर्नमेंट ने जितने भी काम किए हैं वो बिल्कुल देश हित को ध्यान में रख कर किए हैं। मैं नहीं मानता कि उन्होंने धर्म के आधार पर ऐसा कुछ किया है, वो धार्मिक जो एक बीजेपी के ऊपर छवि थी धार्मिकता की, वो हट चुकी है। उन्होंने उनकी जो सोच है वो दूरदृष्टि सोच है, वो देश हित को ही सर्वोपरि मानते हैं। और राहुल गांधी जी को कई बार मैं सुनता हूँ, उनके बयान काफ़ी ओड होते हैं, तो ये उनको शोभा नहीं देता। हाँ, वो ये कह रहे थे कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी भी हद तक जाना, देखिए ये कहाँ की मानसिकता है, किस प्रकार की मानसिकता का वो प्रदर्शन कर रहे हैं, किस बात के लिए? अब उनको जब गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि उसमें धर्म की कोई बात ही नहीं है, जो मुस्लिम जो है समुदाय के लोग जो है यहाँ भारत में रह रहे हैं उनको कोई खतरा नहीं, लेकिन जो घुसपैठिए हैं उनको बाहर निकालने वाली बात हो रही है, और जो पीड़ित हैं, जिन देशों से पीड़ित होकर के जो लोग आए हुए हैं, अल्पसंख्यक, वो अल्पसंख्यकों की हालत आपको पता ही किस तरह से है, वो कई वर्षों से हमारे देश में है, उनको नागरिकता भी नहीं, उनको वोट डालने का भी अधिकार नहीं है, उनकी ये भी नहीं है कि वोट डालने का अधिकार है, वो कई शिविरों में पड़े हुए थे, तो उनको नागरिकता देने वाली बात हो रही है, तो उसमें कहाँ तक जो है गलत है?
देखो गलत तो इसमें कुछ है ही नहीं, मैं यही बात फिर से दोहरा रहा हूँ कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उनको एक पहचान मिली है, उनको अपना वजूद मिला है, वो पिछड़े हुए थे, उनको कोई पूछता नहीं था, और सरकार ने ऐसा ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाकर उनको एक पहचान दी है और इससे उनको फायदा है, न कि नुकसान। अब नॉर्थ ईस्ट में लोग ऐसे प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी उचित नहीं है, उनको समझना होगा, एजुकेटेड लोग हैं तो उनको समझना होगा कि ये उनके लिए बेनिफिशियल है, फायदा है इससे।